सबसे पहले तो भी धरती ने नमन करूं जगह के लिए अपना राजस्थानी साहित्य में कहो गयो है इको बंद कर दे, राजस्थानी साहित्य में कहो गयो कि इको बंद कर दे। के बीको फीको पड़ गयो हो गोरा हमगीर। अच्छा। दीदी आप उत्तर प्रदेश में पधारे हो सुना शुरू कहीं है। हाँ। के बीको फीको पड़ गयो हो गोरा हमगीर और चांदी गोला चालिया आ चूरू की तासीर। हाँ। चांदी गोला चालिया चूरू की तासीर। प्रणाम करूं ठाकुर शिव सिंह जी की धरती जी की देशभक्ति का प्रेम अठंगा में सुनार अठंगा में लोहार जिसका मातृभूमि का मान और सम्मान के लिए चांदी का घोड़ा गड़गल अंग्रेजा ने ठासुमियान का घोड़ा गढ़िया बंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान को इतिहास चूरून बड़ा गर्व के साथ है। प्रणाम करो आप सगड़ा ने। और आओ एक कविता सु जोड़ू आपने कि तमाचा कर अचक न लगे लचक न को लमचक न तो लकटो पकराल न बार को भी गुरु ताल न गाल का पालन साल बटो हुगम के पेलो तन सरंग डुले जगम के कर पालन न अग्नि जरी पछि खल त बलन हल उचलन न धूमी हमल न भूमि धरी जी धूमी हमल न भूमि धरी। ताली बजाऊ नी पूरी रात आई कविता सुनाऊ ना। मैं जाति सु चारण हूं डिंगल की परंपरा को कवि मारा पटकाइया की कविताओं बना बनाए आका भटकल का प्राण पिए भी के लिए तो मैं माफी सो और मैं सीधी सीधी कविता हूं। हम मां के हैं चार बड़ माता जी का पूर्वज जी का वीरस का कवि भीया कटेड़ा माथा बोल जाता वे कविता बोलता जना कि सांधु हूं पे शेवियो शाह दुर्दन सल तो कटिया माथा बोलिया गीता तो वहां गल और फेर में हंसी ठट्टा की बात करना ना हरीश जी रे माका माजना गुंडे। अरे बोले तन शर्माबा की बात है तू चारणा के जन्म लियो बेटे का बाप हंसी मजाक की बात कर थोड़ी बहुत तो शर्म कर। अब करा कहीं मारे खाटू श्याम जी गांव है मारो इयान को माहौल है मारे गांव में तने कहीं बताऊं जो तो बाबा सामने जानो बाकी लोगों ने मैं जानू इयान को माहौल माके की पड़ोसी पड़ोसी घर की ओर जार बोले बोले पलंग दे दे यार मका पावन आएगा मका कम है वो बोले भाग जाओ कोई पलंग वलंग माचा मूचा कोनी बेशर्मा तने शर्म कोनी माचो मांग पायो पलंग भाग जाओ। वो बोले यार मना राजी राजी करके धमका रही क्यों है कोई बात को नहीं मैं दूसरा कहना लिया शाह वो दूसरा पड़ोसी के मांगवा चली वो तो मना कर वालों को छोरो बोले रो बापू तने शर्माणी चाहिए पड़ोसी का धर्म होता है कि पड़ोसी की हेल्प करनी चाहिए सहायता करनी चाहिए। अरे आपने चार पलंग एक्स्ट्रा पड़ी ही एक पलंग इन दे दे तो तेरो की बिगड़ जातो। वो बोले रे बेटा मैं तो पलंग के लिए मना करके बदलो लियो हूँ। अरे बोले बापू पलंग के लिए मना कर बाजू बदलो क्या को पूरो वियो वो कहीं। अरे बोलियो बेटा बहुत बुरी चोट करे लो आपने में। बोले बापू के चोट करी बोलियो बेटा तेरी बुढ़ोड़ती बहन को ब्याह हो बारात आएगी वीर तोरण पर खड़े हो और थार की बहन के मलेरिया चढ़ो। अब बिका ही तो फेरा करना बिका मलेरिया चढ़ो और बात ठंड के मायने सिया मरती थर थर दूजे मलेरिया में। अब भी मलेरिया में सिया मरती ने नुआवा किया सिनान किया करावा सिनान कराए मेरा बीजनी को नहीं बना सका। तो मैं भाग्यो भाग्यो के घरा सा जी का हाथ जुड़िया के भाया फेरा फेरा हम थारली भाई ने भेज दे मेरा नुमाजवार थारली भाई के साथ करा देशा और बीता मारली भाई ने कर देशा। उसी दिन आपकी भाई के लिए मना कर दियो तो आज बेटा ना मई ना माचा के लिए मना कर दियो। छोरो छोरो बोले रे बापू बहुत बढ़िया करेगा लकड़ी मना कर वाला एक पड़े एक बात बता बापू अपनी भाई के तो मलेरिया चढ़ेड़ो वो आपकी भाई के लिए मना कर दे तो फिर फेरा किया कराया। वो बोले रे किया किया कराया भगवान अकल दिए अकल फेरा फेरा में घूम तो काट थारली मानने बेटा। बोले उत्तर का अरे मुको भाया था के बेटी को ब्याह मंडको मुंडा किया उत्तर मिलिया है। बोलियो भाया माके तो गड़बड़ होगी। बोलियो अरे तो बेटी का ब्याह में गड़बड़ किया। बोलियो यार मास्टर ब्याह में डीजे आसी और डीजे में चालसी देवता का गाना
अब बोलो ब्याह न सटावा भी छाया न सटावा कर रो तो गड़बड़ू की और जखा देवता को गाणू चले डीजे मार तो भी देवता की छाया जा और रामो को बात यार बात भी सच है ब्याह में गीत देवता का चले अपने ब्याह में गीत चले सुनते जा जी रे तारी बम्बी पे रे बम्बी पे काली काली रे बादलियां बरसी रे तेजा जी और तेजा जी का गाना पर दारू भी पी छोरा नाचे कई संस्कृति को सत्यानाश करो कायदा सु दारू पीड़ो आदमी तेजा जी गोगा जी का हनुमान जी का थान का समुगर को निकल सके और दारू पी भी देवता का गाना पर नाचे ब्याह में गीत चाले बरस बरस मेरा इंद्र राजा तू बरसा मेरो काज सरे ब्याह में इंद्र राजा बरसा काज सरे काज बिगड़े बिगड़े क्यों कोटा की सर अब इन का गाना चलाओ वहां की चिंता आदमियों को यार बात तो सही है एक काम करो आता ही मैं डीजे वाला मना करती हूँ भैया देवता का गाना मत चला जिज्जत बोले जोड़ा काम संठलेशा आज जिम्मेदारी मेरी मैं जिम्मेदारी ले ली वो देवता का गाना कौन चला जो बोले जोड़ा ब्याह संठलेशा पर भाई लोग दशा खराब करने जना ऊंट पर चढ़ा के भी गंडक भटको भर ले बाकी दशा खराब और भी ब्याह का जल्दबाजी का फायदा मैं डीजे वाला ने मना कर वो बोल गो अरे बीके तो भाई देवता का गाना चलावा की आदत बारात आएगी तोरण पर बींद पूछो कन्नई डीजे वालो लागेड़ो ए माता बहना बैठी है तोरण पर बींद पधारी जी का बींद पूछो गीत लगाऊं से डीजे वाला कि तोरे ने आया राई पर तेरे हेरे का प्यारा आज की जो सिरदार मनीने कामण कौन करया चोरो मैं नहीं जाना माका सासू जी से कामण गारा राज पैसे री ने पता चला जूं बुवारी ने अदर न चाजू एक रोटी में जान जीवा जूं तेरे ते 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 क्योंकि ए आजकल की बाया पढ़ लिखकर मैडमा बनगी पटवारी बनगी एसटीएम बनगी ए पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की दौड़ में अति आंधी भी कि संस्कृति गीत भूल गई और ब्याह में गीत गाना ना सासु के नारा लुक जाए बस ये करते तेरे 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 अरे पढ़ लिखी थे बड़ी अक्सर मन की बहुत सुखी बात है बहना लेकिन संस्कृति बचाओ अपनी भाषा बचाओ अपना गीत सीखो के मायने अपना संस्कार है अपना टापर ने स्कूल में भेजते बेटा क्या सीख के आया वाता के जोनी जोनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग लाइक नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 अरे चार लेन और आपको सोचो इंटेलिजेंट चार लेन की अंग्रेजी की कविता भी मुझे झूठ बोलवा की प्रेरणा टेलिंग लाइक अरे तेरा भला हो जाए मे अतिथि बड़ी मारवाड़ी की कविता बोलता मन को इंटेलिजेंट मानते ही को नहीं मैं सोचड़ी है छोचड़ी बारांडा मेलचड़ी एक दो आर पार भी मैं सुता मियादार मारियो जी मारियो दिल्ली जा पुकारियो दिल्ली मारो साथ लो नागौर मारो पीर काला की संजी गोरा मुकंदी डंगो दे कतान जी खुद बड़े हनुमान जी हनुमान भाई कोड़ी वा हिरण की डोरी हिरणी करा उपा कान बजड़ का मका का पान जनी जनी ये जनी जनी ये अरे बात हूँ ठीक दो मरगा कटीक कटीका की मर्जी बात हूँ ठीक दो मरगा कटीक कटीका की मर्जी दो मरगा दर्जी दर्जी करी सिलाई दो मरगा नाई नाई करी सुमार दो मरगा लुहार लुहार गड़ी पाती दो मरगा खाती खाती गड़ी खाट दो मरगा जाट जाट बनाई हेली दो मरगा तेली तेली काढ़ियो तेल आई रात की रेल रेल मारी सिट्टी दो मरगा टिट्टी टिट्टी दियो तार दो मरगा थानादार बगायो डंडो गो मरगो द्वार गो पंडो माने वो इंटेलिजेंस हम देख जैनी 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 सिंपल राजस्थानी की बचाओ वाले आरे सागिरा की तैरा करे मैं भी पढ़ाऊं अरे ये तो आपने परीक्षा में आरएस के मेरे पसंद पूछे आ गीतम हूं अबे कि बोलो इयान का यहां का मैं मत कटे फेरी जाए अरे बात का गीत ध्यान से सुनो मारा माथन में मंदिया जो अरे बहुत जरूरी है आपने फ्रेंच जर्मन इटालियन कोई सी भी भाषा सीखनी है हजारों इंस्टीट्यूट ही देश के मायने है एक भी इंस्टीट्यूट को नहीं जो अपनी राजस्थानी भाषा सिखावे अपना घर ही आप इंस्टीट्यूट है अपना सगला राजस्थानी ने बर्ताव मिलिया अपना टाबरों से भी भाषा में बात करना जना भाषा बात सी तो पता नहीं चाहूं कि कायदा से भी ना लगाऊं से तोरणी भी और साथ में डीजे वाला तो आता देवी देवता का चला बाकी जी भी तो मैं मना करबो भूल को और बिना तोरणी गीत लगाणो डीजे वाला ने मना करबो मैं भूल को भी की आदत सट तोरण पर जी सासु गीत ने टीक भाई और वो गाणो लगायो कि 64 जोगणी ये देवे देवड़िए रम जाए घुमर घालणी
ये देव के देवड़ी ये रमजान बस सासु भीतर टीक पर ये हालवा लगी वो हालती आदमी थाड़ ने बगे लुगड़ी उतार की न फेंकी और उछोड़ा कोड़ा बोले आ खा लो नारियल दो माता जी की छाया आएगी और राम क्या बाजे राम को गाणो बदल टीचर राम को गाणो बदल पी के तो आदत सच पैरू जी को लगा दियो दिवस में पैरू जी थारो देवरो रे मेरा फेरा कर वाला मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ आखा लो बालाजी की छाया आएगी आखा लो बालाजी की छाया आएगी मजो आ रही हो तो ताली बजाओ बोले लखदाकार जी आनंद मस्ती फुल करनी चाहिए देखो आज यहाँ हिजी भाई साहब भी बताया कि जाति धर्म संप्रदाय में हंसी को अपना अत्रु सत्यानाश कर रहे हैं मेरे छोटो सा प्रसंग याद आवे कि अकबर का दरबार में चित्रकार एक चित्र प्रस्तुत करियो बेटा माई माँ पार्वती जी को चित्र है पार्वती जी घूंघट निकाल रहा है घूंघट तो झीणू झीणू है कि घूंघट माकर भी पार्वती जी को चेहरो दिख रही है और पार्वती जी मंद मंद भी चित्र में मुस्कुरा रहा है अब वो झीणा घूंघट माकर मुस्कुराता गया पार्वती जी का चित्र ने देख और अकबर के मन में जिज्ञासा जगी और दरबारी ने पूछो कि कही कारण गोर हंसी मुख यूं करके कही कारण गोर हंसी मुख यूं करके कि पार्वती इधर मुंह करके क्यों हंस रही है सारा का सारा चकराएगा पर दरबार में गंग कवि बैठे कोठारी जी वो जवाब दियो देखो जब हंसी मजाक हुए तो भगवान ने भी का दायरा में खींच ले और गंग कवि जवाब दियो कि भस्म रमावत शंकर के अहि लोचन बीच भरी जर के भस्म रमावत शंकर के अहि लोचन बीच भरी जर के ताहि की पुकार लगी शशि के तो अमृत बूंद परी जर के और गाज उठे मगराए करनाई उठे सब मंदिर के सुर भी सुत भाग चलियो वन में तब गोर हंसी मुख यूं करके तब गोर हंसी मुख यूं करके कि भगवान स्नान भगवान शिव स्नान करे बाद में भस्मी रमारिया शरीर के ऊपर चिता की भस्म रमाया करता शिव जी वह भस्म रमाती तहन का राग को एक कण सांप की आंख में गिर गो क्योंकि गला में सांप है सांप की आंख ने जी राग को कण गिरो सांप ने गुस्साए वो जहर की फुंकार मारी जहर की पुकार शिवजी के ललाट पर लगी और शिवजी के ललाट पर चंद्रमा और चंद्रमा तो जी वो जहर टकरायो तो चंद्रमा की तो तासीर है साहब वो जहर टकराते अमृत बन को और वो जहर अमृत बन नीचे टपक्यो तो वो पड़ियो शिवजी की बाघंबर पर और अमृत की तासीर है कि कोई भी मृत अवशेष के ऊपर अमृत गिर जाए तो वो ही जीव पाछो बढ़ जाए जो वो जीव हो जब कुत्ता की 20 साल के लिए मेरेड़ा की हड्डी पर अमृत गिर जाए तो वो वापस कुत्तो बढ़ जाए तो ताई की पुकार लगी सच के अमृत बूंद परी झर के और वह अमृत की बूंद पड़ी शिव जी की बाघंबर पर बाघ की खाल पर बाघ की खाल को तो बढ़ गो शेर तब गौर हंसी मुख यूं करके पार्वती जी छिन मुंडो कर किया हंसया कि मेरा वाहन शेर ने देख और शिव जी को वाहन नंदी डर तो बाज गो पर अखिन मुंडो क्यों करे थे समझ गए मजाक का जरा कभी मान भी आपका दायरा ले ले और आओ आनंद मस्ती से आपने जुड़ा अति आनंद मस्ती बिक्री पड़ी आपने आत्मा को तो सम्मान करो सात सात बार माड़ा सात सात बार माड़ा हद होगी भाई माची करा ना कोई इज्जत को नहीं मैं एक बार रात ने कवि से मिलन कर 2 बजे घर पूछो तो मेरी घराड़ी देख रही सोले फिलो और छोरो भी देखो चाहो पर छोरा के एक दिन पड़ गई चला वक्त भी सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाना है छोरो सो को पर छोरा ने फिल्म देखनी पटो लाद मेरो सुतो सुतो रजाई नू चिकर के रजाई मगर फिल्म देख लियो ओ मैं 2 बजे पूछो और बस सोले फिल्म पर छोरो सो को मैं देखी छोरो सो को उसी तेरा जाग तो थोड़ी है बा बात को नहीं भाई जी मैं वो 2 बजे अरे समझो मेरी बात तो सुनो मैं पर ताबर सोगोजी बहुत सोनी फिल्म मेरी भी प्यार रहा मुझे मैडम मैं भी देखी मेरी फेवरेट मूवी पर मैं रात भर को जागेड़ो मन नींद आ रही है तो चाय बना लिया मैं चाय पी लूं तो मेरी भी नींद उड़ जाए मैं भी फिल्म सोरे जीव देख लूं बोलो जानो अब भी बना के लाया हालांकि बस जानू कह को नहीं पर थाने बताबा हम कहीं जाए आओ साहब जानू अभी बना के रात नहीं कर बात तो रसोई में चाय बना हुआ चली गई मैं तो भी गाँव को छाई आ जाए देवता की और बात सोनी फिल्म में देख बना के और मेरे में गब्बर सिंह की छाई आई गब्बर सिंह की फीलिंग आगे वाला की लगी जानी मैं गब्बर सिंह हूँ जे तारा बार रसोई में चाय बना चली तो भी की बाजी बाजरी छम 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 भाई साहब जी टाइम का छम छम ही अब तो बात डेढ़ कुंटल की हथनी सी हो रही है अब तो बात चालजना आवाज आवे घम
आपने छोटी बहन को ब्याह रही तो तू नाच ले मत को नाच बोले प्लीज डांस करो ने वो चल कोई बात को नहीं पुरुषा गणा पर वह बोलियो नागिन पर मैं बढ़ जाऊ नागिन थे बढ़ जाऊ सकेरा तो काम चल वो एक बात सुनो पर डेढ़ गुण लड़े लुगाई को गणू ले ले तोर मन को जले लो जले लवण के लाज तोड़े डाल दे बाप का मैं बोले अरे फेर को मैडम गाणू करे तो बोले जी गलत किया रे मुको डेढ़ कुंटल का तू डेढ़ कुंटल की लुगाई नागिन का गाना पर डांस कर सी लोग आएंगे जी देखो जी देखो गाणू तो नागिन को चाल रही है और डांस अजगर कर अब साहब वाह घराड़ी जी छम छम की पायल बाजी वाह गब्बर सिंह की आत्मा और भड़क की वाह जी मेरा सामी ट्रे ले रही और वो डायलॉग ठोक दिए मतलब एक समिया जरा दो चार ठुमका हमका भी दिखाई दो कमाल मान सम्मान कर रहे हो भाई साहब अद्भुत गाँव है भाई मारा मारे तो एक बार वो आखा तीज को ब्याह सारी व्यवस्था में कर ली पर पंडित जी भूख कर वो भूल गया ब्याह का पहले दिन बाप रे बेटू वेटर लिस्ट बनावे घोड़ियाड़ो गो हलवाई गो टेंट गो पंडित जी अरे बोलियो बापू तू को निकल अरे बोलिया छोरा तू को निकल अरे बोलियो बापू मैं तेरे भरोसे रहो अरे बोलियो छोरा मैं तेरे भरोसे रहो काल का फेरा था इस कर पहले दिन की बात और एक बापू जी भाग्या एक बेटो आस पास का सात गांव चक्कर का कहया पर आखा तीज ने कोई पंडित जी ठला ला सके एक एक पंडित जी के चार चार फेरा एक ही पंडित जी खाली नहीं भाई देखी रहे तेरा बदाव जाए अब फेरा कौन करावे लास्ट में एक पंडित जी खाली मिला भाई भी अंतिम संस्कार करा वो ही जाने बस बाना पकड़ लिया बोले महाराज बोले मैं तो अंतिम संस्कार करा वो जो बोले महाराज के जे ब्राह्मण का बेटा उठाओ तो मन्ना करता करता ले आया अब लीजियो साहब मजा पे अंतिम संस्कार करा बड़ा आते ही फेरा करावे किए ले सो पहली बेदनी ने स्नान करा बट आता ही मंत्र बोलियो कि ओम मकर दुंड महाकाय सूर्य कोटि संपर पे निर्विघ्न पुरो में देव सर्व कार्य सर्वदा बोलियो लेओ जी लेओ जुमा को पिंड लेओ निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा बोलियो बुलाओ जी बुलाओ बीदनी का भाई ने बुलाओ अरे बोलियो महाराज पाटा पर उतार तो मामा जी ने बुलाया करे ते भाई ने कहा बुलाया हो पंडित जी बोलिया भाया थारे जचे जन बुलाओ पर जल्दी बुलाओ हरिद्वार जी बस को टेम हो गए राजस्थान के लुगाई गीत थोड़ी गावा गीत को सत्यानाश करा और वाकई में अपनी लुगाई की मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया तो गाची निर्विघ्न पुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा जिद्दार ने हरीश जी को साथी स्कूलों पर आती बोल गो बोलियो महाराज एक ही मंत्र जानो के ओम मकर तुंड केवल गणेश जी को मंत्र बोली बाकी देवता का मंत्र कौन बोलिया पंडित जी बोले माने कमजोर समझ रहा क्या है दूसरो मंत्र सुन और पंडित जी गैर बदलो कि चार ऊंट की अर्थी बनी पूरो दियो बिछाई बीत बचे नहीं बीदनीर गंगा जो पूछाए बोल राम नाम सत्य है
भीने को बाप बोलियो महाराज फेरा मैं तो येड़ा ही मालेशा कर दियो घोषणा पर आज थोड़ी छूट छूट ही नहीं सके तो होटल पर दो जना गया जाता ही ऑर्डर लगाए बोले चावला की प्लेट ले आओ वेटर यार दुनिया के बीच में चावला की प्लेट रख दी दोनों आमने सामने बैठे चावल खावा को तरीको देखो एक जो चमची भरा चावला की दूसरा का मुंडा 200 पैक है ना दो चार चावल को हटा के लाग जाए चमची से साफ कर फिर मुंडा में फेंके फिर प्लेट में मुंडे फिर मुंडा में फेंके मैं पूछे भाई जी चावल खा रहे हो मजा ले रहे हो मैं बोला खा रहे तो चावल ही हाँ भाया पर मैं तो कारीगर हाँ स्कूली पाई की प्रैक्टिस भी साथ ही कर रहे हैं निकली एक नारी नवेली जानियो तो जैसलमेर वाला पटवा की हवेली तो बीका ओखा देखकर मैं तो सुदबुद खोदी और कालजा की पीड़ा बीकन रोती तो बाप बोली रे ओए रोमियो तेरे में तो कणी कोनी थी क्यों नॉलेज को तने जाने का तो पहलो ही दिन है कॉलेज को और तेरा जान के लिए बता दी मेरो भाई है पुलिस में सिपाही मैंने अब भी बुलाऊंगी कराऊंगी तेरी सुताई तो मैं बोले हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और मेरी तशरीफ है तैयार डंडे खाने को तो बात एक रो बात को नहीं छोटे को पिंड तो बुलाई आपकी खतरनाक सहेलिया को झुंड वह आता ही आपकी चपना गोदरी टाट को अभिषेक प्रारंभ करियो बेटा याद रखो कोई बदमाशी करना ही करनी वह बुलाई आपकी खतरनाक सहेलिया को झुंड वह आता ही आपकी चपना गोदरी श्री कपाल को अभिषेक प्रारंभ करियो थोड़ी देर तो मैं नानिए चिल्लायो आखिर में मैदान छोड़े ही सरियो मारे आंसू जा रिया जार जार कपड़ा फाट हो रिया तार तार रणचंडिया भागी मारे लार लार कह किया जब भागर में दोनों सो एक हॉस्पिटल पकड़ियो बटे जाता ही मैंने एक कंपाउंडर पकड़ियो वो दस एक इंजेक्शन पांच एक प्लास्टर ठोक दिया और मैं ना फिर खाट पर आऊं पता नहीं रोक दिया अब घराला पूछे तो बताइए गाड़ी वालों टक्कर देगो अरे जातो दो चार माँ बहन की ओर कहो मेरा को अरेडो लुगाई को मारेडो कोई का बाप नहीं बता सकता भाई एक मारा कोई दोस्त ने लुगाई कुटी ना भी थाना में रिपोर्ट दर्ज लिखावा चलेगा पर बतावा लागिया भाई मारी लुगाई नहीं है यहाँ कुटियो मने थानादार जी रोबा लाग गा वो थानादार जी देखिया रोरिया हो थानादार जी बोले भाया थाना लुगाई कुटा था ना तो मानार बता दो मैं पुण्य कहा भाया तो मेरा को आयल था घरवाला पूछी तो बताइए गाड़ियों और टक्कर देखो जातो जातो दो चार माँ बहन की ओर देखो कह किया जब मनु बन निकले और मारता नहीं एक रिश्तो आयो अरे भाया तड़के लड़की देख बा चादनी मन मारला बापू जी बतायो तो आगले दिन में सुटेट बुटेट और लड़की वाला का घर हो गया लड़की वाला भी माँ की खातिरदारी में तर्दन हो गया औपचारिकताओं के बाद एक एकांत कमरा में मारो भी लड़की से मिलने को मौको आयो बटे मारे झटकों से लागे और एक खतरनाक झोंको आयो वह कमर का हाथ लगा देसी लेजम बोली अरे बापना मैं ना भर पेली अड़ी भूल गो कॉलेज में लपका ले तो तू तो घर ही हिल गो मैं ते गिरा तो भाई कंकाड़ी है मेनू पर खाट कटावाड़ी है जे मारो रिश्तो यीशु फटसी तो मारो तो पूरो जीवन ही खाट पर कटसी पर भाई लोगों मेरी किस्मत के लागे उठोगो और मेरो रिश्तो भी सुई होगो अब मारे जुखाम लागी 8 दिसंबर को ब्याह एसपी साहब मेरे जुखाम लगड़ी भयंकर कि मारे जुखाम लागी जी सारी मारो ब्याह हुयो मारे तो उणियो सगा गांव का के चाव हुयो घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाटो ही कर लियो और गोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाटो ही कर लियो कह किया जी गोड़ी की व्यवस्था होगी मैं गोड़ी पर बेटर चाला तो तोरण को एडो आएगो बटे सासू नाक पकड़ की जी तो हाथ में तोरण पर पुग्या तू भी की बे सहेलिया जी की चपलाओं कोटी तोरण पर पुग्या तू भी की बे सहेलिया आरती लिया खड़ी झिलमिल की पाने देखता ही मेरी धड़कन बड़बा लागी दिल की मैं सोची रे ऐ सहेलिया पहलिया ली बाकी झाड़ आद निकाल सी और वास्ते सु मारो मुंडो वाल सी पण बिकी मना करी बिचारी की कुन करी बस हल्की फुल्की मस्करी करी शादी का अगले दिन मारी घराड़ी बोली माता बहन चार पंक्ति में समापन गुरु कविता में क्यों बनाई शादी का अगले दिन मारी घराड़ी बोली जी बिया तो थारे चरणा की दासी हूँ थारे ऊपर पड़ा भजन के बीच की मंडा सी हूँ पण कहीं करा इन नारी की जाति ने सदाई छिड़नू है इन नारी की जाति ने सदाई छिड़नू है अब मर्दा की बेशर्मी के कारण छिड़नू है अब बात मैंने सोच बतानी मजबूर कर दी मारा दिल ने बामासू भरपूर भर दी कि अब आप सोड़ा ना सांची आजकल का एक कुत्ता की जात रोमियो आजकल का कुत्ता की जात रोमियो कोई की बहन बेटी ने देख रही को नहीं चुके और गंडकड़ा की जिया को कहे अरे आपनी सांस्कृतिक अस्मिता में पड़ रही हो बहुत ही तगड़ो भीखो आपनी सांस्कृतिक अस्मिता में पड़ रही हो बहुत ही तगड़ो भीखो और संस्कृति ने बचानी है तो पहली बहन बेटी की इज्जत करना सीखो पहली बहन बेटी की इज्जत करना सीखो।